कलर ब्लाइंडनेस डिफाइन करिए क्या होती इट इज सेक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन इज अनएबल टू परसेप्ट वन और मोर कलर्स एंड ही और शी इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट रेड फ्रॉम ग्रीन। है। ठीक है, हीमोफीलिया बताइए क्या होती है। Hemophilia, in this blood fails to clot after an internal or external injury, or it clots slowly. ठीक है, अच्छा आप आपके पास जो क्रॉसेस हुए हुए, और मुझे एक चीज ये देखकर बताइए कि मदर जो है वो कलर ब्लाइंड है, फादर नॉर्मल है, तो उसकी परसेंटेजेस क्या है। सर मदर कलर ब्लाइंड और फादर नॉर्मल। जी जी सर इसकी है 50% नॉर्मल कैरियर डॉटर्स एंड 50% कलर ब्लाइंड सन। ठीक है, बेटा यहाँ पे आपने इनकी बात अपने गौर से सुनी है कि इन्होंने क्या जवाब दिया है। तो मैं ये बात सबसे कह रहा हूँ, इवन मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, हैंडरेज रखिएगा आप। देखिए बेटा, जब आप एंट्री टेस्ट देंगे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, तो अगर एनटीएस के टेस्ट में ये सवाल आया है If mother is color blind and father is normal, then what is the chance of having the son to inherit the color blindness? तो बेटा आपके पास अगर ये बात वहां पूछी जाएगी, तो आप ये सवाल और जो आपने किया उस दोनों में फर्क है। ठीक है, वहां पे आप जो जवाब लिखेंगे वो आप जवाब लिखेंगे वहां पे 100% चांस। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे देयर इज अ 100% चांस, 100% चांस किसके लिए, 100% चांस है कि बच्चा जो है वो कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिट करेगा, इसके लिए 100%। जहन में आएगा सर ऐसा क्यों है। लेकिन एक बात बताएं, फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि आप डॉक्टर हैं, एक माँ आपके पास ही कहेगी मैं कलर ब्लाइंड हूं, ये मेरी गोद में मेरा बेटा है, ठीक है, एक साल का बेटा है, भी कुछ बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो मुझे ये बताएं कि ये कलर ब्लाइंड होगा कि नहीं होगा, तो आप उसको ये थोड़ी कहेंगे नहीं इसको 50% चांस है कलर ब्लाइंड, आप उसको कहेंगे नहीं 100% चांस। तो अगर माँ कलर ब्लाइंड है तो ऑफस्प्रिंग में आपको 100% चांस मिलेगा। ध्यान में आएगा सर, फिर आपकी किताब ने जो किताब में परसेंटेज निकाली है वो क्या है, वो देखें वो अलग है। किसी भी कपल में बेटा या बेटी आने के चांसेस जो होते हैं वो 50-50 के होते हैं। किसी भी कपल में बेटा या बेटी के जो आने के चांसेज होते हैं वो होते 50-50%। तो यहां पर आपके पास सिचुएशन क्या है, यहां पर आपके पास सिचुएशन ये है कि बेटा बेटी आने के चांसेस 50% है, यहां पे वो नहीं पूछा जा रहा है, यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि जो बेटा या बेटी आ गया उसमें क्या कहते हैं कितने परसेंट चांसेस। ठीक है, तो दोनों में आपको फर्क मिलेगा। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जब आप एनटीएस का टेस्ट देंगे, ये इसका ख्याल पूरी कराची के 50% स्टूडेंट्स नहीं रखते और गलत कर देते हैं वहां पे जाके। अब एनटीएस की आती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि 100% स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, फिर घर आके किताब दिखाते हैं कि नहीं किताब में तो ये लिखा हुआ, कहते हैं उनकी की गलत है। तो ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने सवाल ही आपसे कुछ और किया था। ठीक है, तो बेटा आप इसका ख्याल रखें, इसीलिए मैंने अभी इनसे कहलवाया कि क्रॉस पढ़े और परसेंटेज क्या आ रही है। और मैं तो पिछले सालों में स्टूडेंट्स को इस बात की इतनी ताकीद करता था कि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये घरों की दीवारों पे लिख लें कि नेक्स्ट ईयर, मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ क्लास ले रहे होंगे कि नहीं ले रहे होंगे, लेकिन ये चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए कि अनजाने में आपसे गलती ना हो जाए। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपसे इसके बारे में। अब चैप्टर एंडिंग पे है, ठीक
ठीक है, चैप्टर आपका बेटा एंडिंग पर है। अब उसके बाद जो मुझे आपसे बात करनी रह गई है, वो आपसे बात करनी रह गई है डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट टू इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, अभी किसी ने कोई सवाल करना हो तो कर ले भाई। अभी किसी ने कोई सवाल करना हो तो कर ले। जी नायला, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा कलर ब्लाइंड है और वो रेड कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, तो अगर हम उसके सामने रेड एप्पल रखेंगे तो उसको कुछ और कलर का दिखाई देगा या क्या दिखाई देगा उसको? तो वो ब्लैकिश दिखाई, रेड वो परसीव नहीं कर सकता। ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वाले सलाम। सर मुझे टेस्ट क्रॉस के बारे में एक क्वेश्चन पूछना था। करें सर इसमें आपने एग्जांपल्स में आई कलर की जो एग्जांपल्स दी थी उसमें मैंने कहीं पे पढ़ा था हेट्रोक्रोमिया के बारे में, जिसमें अ पर्सन हैज डिफरेंट आई कलर्स। तो सर फिर उसमें जीन्स कैसे मौजूद होंगे? बेटा, पहली बात तो ये चीज आपने टेस्ट क्रॉस में पढ़ी नहीं है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ी है। तो आर यू श्योर कि आप मुझसे टेस्ट क्रॉस की बात कर रही हैं या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रही हैं? नो सर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, सॉरी। अच्छा, अब हेड तो मैं ये क्रोमिया में बताइए, क्या कहते हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि एक पर्सन है जिसकी आंखों के कलर जो है वो मतलब आधी डिफरेंट है। आंख, आधी आंख अलग है, दूसरे दूसरी आंख अलग है, आधी आंख का कलर कुछ है आधी का कुछ है, ये कहना चाह रही है? नो सर, एक आंख का कलर ब्लू है तो दूसरी आंख का कलर ग्रीन है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर बेटा फर्क आएगा कि आपके पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और ये कहीं आप बिल्ली की बात तो नहीं कर रही होंगे, बिल्ली में ये चीज कॉमन होती है, आयुष हो या इंसान की बात कर रही? यस सर, इंसान के बारे में। और आप ये भी अश्योर है कि यहाँ उसने लेंस नहीं लगाया हुआ? एक आंख। यस सर। अच्छा, अब मेरी बात बेटा सुन ले, ये जो आंखों का कलर होता है या और बहुत सारी बीमारियां जो है, हम आपको बड़ी सिंपल जेनेटिक्स करके बता रहे हैं, ये आपके पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद एपिस्टेसिस फॉलो होती है आप। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद एपिस्टेसिस फॉलो होती है, आमतौर पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब दूसरी आंख जो है उसमें अगर रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है या किसी वजह से रिसेप्टर्स जो है वो डिवेलप नहीं हो पाए, तो एक आंख में पिगमेंट जो है वो आपके पास ज्यादा डिपॉर्डेंट है, एक में कम डिपॉर्डेंट है, इसलिए एक ब्लू नजर आ रही है और एक ग्रीन नजर आ रही है। आयरिस की बात कर, व्हाट माय पॉइंट? यस सर। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद एपिस्टेसिस दरअसल ये होती है, आपको बड़ी अच्छी चीजें सिंपल करके बता रहे होती हैं, आपको सिंपल करके बता रहे होती हैं, तो दरअसल आपके पास ये जो है ये यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फॉलो हो रही होती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद एपिस्टेसिस। ओके सर। सवाल करना, ठीक
ठीक है, इसके बाद आइए डायबिटीज मेलिटस के बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, अगर आपने किसी ने बिल्ली की आंखें देखी हो तो आधी किसी रंग की होती है, आधी किसी रंग की, तो ये होता है। ठीक है, तो आधी किसी रंग की है, आधी किसी रंग की है, तो ये आपके पास बिल्ली की आंखों में तो होता है। दिस हैपेंस इन द आईज ऑफ कैट। ठीक है, ये बिल्ली की आंखों में तो होता है, बिल्ली की आंखों की जेनेटिक्स ही अलग है। आपको शायद ये बात पता है कि बिल्ली की आंखें जो है वो रात में भी देख सकती है, अंधेरे में भी देख सकती है, सॉरी। तो लेकिन आपके पास हम जो चीजें इतनी सिंपल करके कह रहे होते ना, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये इस तरीके से आप अगर इंसानों में हाइट भी देखें तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद एपिस्टेसिस फॉल हो रही होती। जिन लोग, बाज लोग ऐसे हैं जो खोडू वगैरह होते हैं, इनका कद कम होता है, तो उनके ग्रोथ हार्मोन का लेवल करवाया सही आ रहा है, लेकिन छोटे क्यों है? तो मसला ये है कि रिसेप्टर्स नहीं है, रिसेप्टर्स नहीं है। जब रिसेप्टर्स नहीं है तो ग्रोथ नहीं हो रही। अब बाज जगह पे इसका लोकलाइज फर्क भी आता है, किसी जगह रिसेप्टर्स की कंसंट्रेशन कम हुई, ज्यादा हुई, और डिवेलपमेंटल एरर्स भी आते हैं, इन्वायरमेंटल एरर्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, सिर्फ ओनली जेनेटिक्स है वो नहीं कर रही होती, डिवेलपमेंटल एरर्स भी आते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें पिगमेंट जिस ब्लड के जरिए आती है, डिपॉजिट होते हैं, वो जगह ब्लॉक हो गई, तो आई की अपनी फिजियोलॉजी भी इसके अंदर मे बी के मुतासिर हो। ठीक है, तो ये मामला आ सकते हैं। आप किसी के कहें कि भाई दिल लेफ्ट साइड पर ही होता है, आप किसी शर्ट लगा ले तो कहेगा नहीं, राइट साइड में भी किसी 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 का होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केसेस तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। चलिए, इसके बाद आपसे बात करूं बेटा डायबिटीज मेलिटस के बारे में, क्रॉसेस जितने भी थे बेटा ये खत्म हो गए। आमतौर पे मैं जब भी ये चैप्टर बेटा पढ़ाता हूं तो मैं क्लास में टेस्ट लेता हूं, एमसीक्यूज टेस्ट लेता हूं। ठीक है, खास तौर पे इस चैप्टर का, क्योंकि बजाहिर आपको लग रहा होता है चैप्टर आपको करना आगे, लेकिन आप उस पर परफेक्ट जब होते हैं जब आप एमसीक्यूज करते हैं, तो इंशाल्लाह आगे टाइम पीरियड में आप सब लोग अपने ध्यान में रखें कि आपका इंशाल्लाह एमसीक्यूज टेस्ट हम लेंगे। ये चैप्टर बजाहिर आपको लग रहा है आपको बड़ा अच्छा आ गया, नहीं आया अभी, जो आपके पास टाइम दे रहा हूँ आपको एक हफ्ते का, कि आप इसको सही से याद करें, उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज के लिए अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो पहले, सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से याद करें। चलिए, वेरी नेक्स्ट आपसे बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज मेलिटस के बारे में। ठीक है, वेरी नेक्स्ट जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपसे बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज मेलिटस के बारे में। देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस होती है, डायबिटीज मेलिटस होती है, कुशिंग डायबिटीज होती है, पिट्यूटरी डायबिटीज होती है, डायबिटीज बहुत सारी होती है। आपसे हमने जो बात करनी है, हम आपसे बात करनी है डायबिटीज मेलिटस के बारे में। ठीक है, हमने आपसे जो बात करनी है वो आपसे बात करनी है डायबिटीज मेलिटस के बारे में। इट इज अ क्लिनिकल कंडीशन, ये क्लिनिकल कंडीशन है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीडिप्सिया, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल विद पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेज। डायबिटीज मेलिटस आपके पास क्या है? डायबिटीज मेलिटस में आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा हुआ होता है,
और साथ साथ उसमें आपको क्या मिलेगा, पॉलीडिप्सिया मिलेगा, पॉली यूरिया मिलेगा एंड पॉलीफेजिया मिलेगा। ठीक है बेटा, और से सुन लीजिए बहुत, ये डायबिटीज मेलिटस का टॉपिक स्टूडेंट्स को मैं इस चैप्टर में इतना ज्यादा बताता हूँ कि चैप्टर थ्री का भी जो है वो कवर हो जाता है, चैप्टर थ्री में टॉपिक दोबारा आगे जाके आएगा। मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। हमारे जिस्म में बेटा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। पेनक्रियाज में एक अगर ये एक्सोक्राइन पार्ट है और एक अगर ये एंडोक्राइन पार्ट, तो फिर ये बताओ कि एक्सोक्राइन सीक्रेशन पेनक्रियाज की क्या होती है। पेनक्रियास की जो एक्सोक्राइनल सीक्रेशन होती है बेटा वो क्या होती है, घबराओ नहीं। सर उसका पैनक्रियाटिक जूस होता है लेकिन उसका कॉम्पोजिशन मुझे सही तरह पता नहीं है। चैप्टर न्यूट्रिशन मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में लॉकडाउन शुरू हो गया था जब न्यूट्रिशन का चैप्टर करा रहे थे, कुछ ऐसी बात है। पैनक्रियाटिक एक सी से आता है, एक टी से आता है और एक पी से आता है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक लाइपेज, याद आ रही है बात बेटा? जी सर थोड़ा थोड़ा आता है। ये आपकी एक्सोक्राइनल सीक्रीशन है। ठीक है, मुझे पता है मैंने लॉकडाउन में आखिरी दिनों में न्यूट्रिशन का चैप्टर ही इनको कराना रह गया था। तो ये तीन सीक्रेशन बेटा एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, एक्सोक्राइन पार्ट रिलीज करता है, वो जो एक तरफ हो गया। अब बारी आती है एंडोक्राइन पार्ट। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है, जो एंडोक्राइन पार्ट है इसमें क्या क्या चीजें शामिल है कि आपके पास ये एक हॉर्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। वैसे तो चार पांच हॉर्मोन ये रिलीज करता है, फिलहाल मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं इंसुलिन के बारे में। एक हॉर्मोन बेटा रिलीज करता है, उस हॉर्मोन का क्या नाम है, उस हॉर्मोन का नाम है इंसुलिन। ठीक है, हॉर्मोन का नाम है इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है इसके काम करने का तरीका कार क्या होता है, मुझ में आप में सब में अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉन डायबिटिक होते हैं उनमें ये इंसुलिन रिलीज होता है। अब इंसुलिन का बेटा काम क्या, इंसुलिन का काम ये है कि ये ग्लूकोज को सेल में एंटर करने में मदद देता है, दाखिल होने में मदद देता है। इट प्रमोट्स द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल। ठीक है, ये ग्लूकोज को एंटर होने मदद देता है सेल के अंदर। ठीक है, इट प्रमोट द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल। इंसुलिन आगे लगेगा, ठीक है, इंसुलिन आगे लगेगा जब इंसुलिन आगे लगेगा तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर दाखिल हो जाए। इंसुलिन एक्चुअली प्रमोट द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल।
ठीक है, ये ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर होने में मदद देता है जब ये अपने रिसेप्टर पे आके जुड़ता है। तो इससे क्या होता है, आपके पास ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इट प्रमोट्स द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल। तो अगर आप सोचेंगे इंसुलिन नहीं है तो ये ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। अब जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो आप मुझे एक बात बताएं, जब ग्लूकोज ही नहीं जाएगा तो आपका खाना खाने का भी फायदा क्या है? आपको एनर्जी कैसे में, खाना तो आपने इसलिए खाया कि आप एनर्जी डेफिशिएंट ना हो, एनर्जी डिप्राइव ना हो, तो आपने खाना इसलिए खाया। अब जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा ही नहीं तो एनर्जी कैसे देगा? तो बाहर पड़ा रहेगा ब्लड के अंदर। जब ब्लड नहीं पड़ा रहेगा तो हमने ऊपर सेंटेंस लिखा है एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज ब्लड में पड़ा रहेगा। अब जब ग्लूकोज ब्लड में पड़ा रहेगा, ठीक है, जब ग्लूकोज ब्लड में पड़ा रहेगा, अब देखें क्या होगा। नॉर्मल पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है आपके पास तकरीबन 60 to 100। अब डायबिटिक्स में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है। शुगर लेवल क्या हुआ, इतनी बढ़ गई, शुगर इतनी बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर 250-300 तक पहुंच गई, जब शुगर इतनी ज्यादा हो जाती है तो वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस स्टार्ट्स टू कम इन यूरिन। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। अब जब ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो जाता है तो अपने साथ साथ क्या करता है, अपने साथ साथ जो है जब यूरिन में आता है ग्लूकोज तो अपने साथ साथ जो है ये पानी लेके आता है, पानी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट कराता है। जब ये पानी जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट करवाता है, ठीक है, जब ये पानी जो है ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट करवाता है, अब आप बताइए, एक तो प्यास ज्यादा लगेगी, ठीक है, प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी तो हम उसको कहेंगे पॉलीडिप्सिया, PoLyDIPSIA, पॉलीडिप्सिया आपको मिलेगी। पॉलीयूरिया, अक्सर शुगर के जो मरीज हैं उनकी शुगर डायग्नोसिस ही होती है इसी तरह से होती है, वो कहते हैं कि भाई हमें तो 5 से 6 बार जो है वो यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है रात को जब हम सोते हैं, तो 5 से 6 बार या बार बार जाना पड़ता है। और वो खुशी उनको इस बात की होती है, भाई प्यास तो हमें लग रही है, चलो कोई बात नहीं, प्यास लग रही है अच्छी बात है, प्यास लगना ही अच्छी बात है। ठीक है, तो पॉलीडिप्सिया भी मिल रहा है, पानी जो पी रहे हैं वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो रहा है। क्यों? ग्लूकोज यूरिन में जा रहा है तो ग्लूकोज अपने साथ पानी को खींच के ले जाता है। साथ में आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया बेटा कहते हैं एक्सेसिव हंगर को, बहुत ज्यादा भूख लगने को। ठीक है, एक्सेसिव हंगर, बहुत ज्यादा भूख लग रही, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर भूख लगेगी तो हम उसको नाम देंगे एक्सेसिव हंगर, बहुत ज्यादा भूख लग रही, या ओवर हंगर। ठीक है, अच्छा, अब ज्यादा भूख क्यों लगती है, इसकी भी वजह है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इतनी कोई बात नोट करने तो पहले करें, क्योंकि डायबिटीज बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ छोटी से छोटी मेरी बात भी आप एब्जॉर्ब करें और उसको जाया ना जाए।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था, आपने बोला नॉर्मल पर्सन की 100 समथिंग होती है शुगर लेवल, तो सर अगर किसी नॉर्मल बंदे की क्या शुगर लेवल राइज और ड्रॉप हो सकती है? और अगर आप एक दफ़ा ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, और डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या है, मेलिटस वर्ड का मतलब क्या है? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जब आपसे ये कहा है कि 100, मैंने 100 नहीं कहा, मैंने आपसे कहा 60 से 100 की रेंज में होती है। ठीक है, मेरे आप लफ्जों पे गौर कर लें कि मैंने आपसे कहा 60 से 100 की रेंज में होती है। अब कम या ज्यादा होती है तो बिल्कुल हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक साहब मुझे मिले, ठीक है, एक साहब मुझे मिले कि भाई वो मेरी शुगर बड़ी हुई आई है, मैंने पूरे एक आम की पेटी जो है, ठीक है, आम की पेटी खा ली। अब आप मुझे ये बताइए, जब उनकी 230 शुगर आई, उन्होंने पूरी आम की पेटी खा ली थी, तो मुझे बताइए मैं उनको कहूंगा कि वो डायबिटिक है? अगर परसिस्टेंटली, ठीक है, अगर परसिस्टेंटली जो है वो शुगर बढ़ी रहती है, तो उस पर हम कहीं जाके डायबिटीज को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, और बॉडी आपके पास होम्योस्टेसिस कर रही होती है, आमतौर पे ऐसी रेंज में रहती है, और इस रेंज में रहने की वजह भी है। किसी की शुगर लेवल अगर बढ़ी है, बढ़े तो बढ़ने पे क्या होता है, लिवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल फौरन कम हो जाता है। और किसी की शुगर लेवल अगर कम हो, 60 से कम होने लगे, तो लिवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ब्लड शुगर लेवल 60 से 100 लेकर आ जाता है। ये एक नॉर्मल इंसान के अंदर मैकेनिज्म हो रहा होता है। मेलाइटिस का मतलब मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, आपको मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो मेलाइटिस का एस सच मतलब जो है वो आपके पास कहीं भी नहीं है, इसको डिस्टिंग जरूरी नहीं है किसी जगह पे कोई नाम इस्तेमाल किया जाए तो उसका एस सच कोई मतलब भी हो। ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए डायबिटीज इंसिपिडस कुशिंग डायबिटीज से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको मेलाइटिस का जो है वो नाम दे रहे हैं। ठीक है, कोई इंग्लिश मीनिंग हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है इसका। चलें, उम्मीद है कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा, और टॉपिक अभी शुरू है, अभी सवालात आपके देखिएगा और भी बहुत सारे आएंगे। टॉपिक इतना इंटरेस्टेड है, और इस वक्त सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड वाइड जो डिजीज डिस्कस हो रही है कोरोना के बाद करंटली, वो आपका डायबिटीज ही है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि पॉलीडिप्सिया, ज्यादा प्यास लग रही है। क्यों ज्यादा प्यास लग रही है? क्योंकि शुगर जब यूरिन में लॉस्ट हो रही है, तो शुगर जब यूरिन में लॉस्ट हो रही है तो उसके पीछे पीछे पानी आ रहा है, तो उससे क्या होगा, ज्यादा यूरिनेशन हो। और जब इंसान के जिस्म का पानी लॉस्ट हो तो इंसान के ब्रेन स्टिमुलेट होता है, थर्स्ट रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, जबान में मुंह में थर्स्ट रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, और ब्रेन में थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, थर्स्ट सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता है, तो इससे क्या होता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो अब उनको प्यास ज्यादा लगेगी। भूख ज्यादा लगने की आप में से कोई वजह बता सकते हैं कि इनको भूख ज्यादा क्यों लगती है? छुप छुप के खा रहे होते हैं, घर वाले मना करते हैं, छुपा के रखते हैं चीजें, नहीं खाओ ये, नहीं खाओ वो, नहीं खाओ, भूख लग रही होती। भूख लगने की क्या वजह? सर मे बी क्योंकि उनकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता और वो यूरिन में पास आउट हो जाता है, तो उनकी बॉडी वो हंगर फील करती है, या मे बी जो उनकी एनर्जी यूज हो रही होती है उसके लिए उनको ग्लूकोज चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो खाएंगे तो उनको ग्लूकोज मिलेगा।
ये वजह नहीं है, मैं आपको वजह क्लियर बताता हूँ क्या वजह है। जहरा की बात जरा सुन। जी जहरा, हाँ बेटा बोलो, क्या कह रही है? सर अमाउंट ऑफ इंसुलिन बैलेंस नहीं हो पाता, शायद इस वजह से उन्हें ज्यादा भूख लगती है। अच्छा हाया का जवाब दे रही है। हाँ दोबारा कहिए। अमाउंट ऑफ इंसुलिन बैलेंस नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं हो पाता और एनर्जी सेल में नहीं जा, मतलब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाता तो एनर्जी फील नहीं होती, और मतलब तो इंसुलिन बैलेंस नहीं हो पाते बॉडी में। ठीक है मैं जवाब दे रहा हूँ। ट्राई की आपने, अच्छी बात है आप सब लोगों ने। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर इंसान एनर्जी डिप्राइव्ड होगा, इंसान के नॉर्मल बिहेवियर में शामिल है कि अगर उसको एनर्जी डेफिशिएंट या एनर्जी डिप्राइव्ड होगा तो उस पर क्या होगा, उसमें आपके पास वो एनर्जी लेने के लिए खाना खाए। अब जब ये लोग लेथार्जिक हो रहे होते हैं, एनर्जी डेफिशिएंट हो रहे होते हैं, तो एक वजह तो ये है कि आपके पास ये ऑटोमेटिकली खाने की तरफ मूव करते हैं कि ये कुछ खाने को मिल जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी डेफिशिएंट हो रहे हैं, एनर्जी डिप्राइव्ड हो रहे हैं। तो दूसरी वजह जो मेडिसिन से ताल्लुक रखती है और जो मैं समझता हूँ कि आप नहीं बता सकते, तो ये देखिए ब्रेन, पूरे ब्रेन को हमारे इंसुलिन नहीं चाहिए सिवाय एक छोटे से रीजन को, वो है सिजाइटी सेंटर। सिजाइटी सेंटर जो ब्रेन में है उसमें ग्लूकोज को दाखिल करने के लिए, उसमें ग्लूकोज को दाखिल करने के लिए इंसुलिन चाहिए। ठीक है, उसमें ग्लूकोज को दाखिल करने के लिए इंसुलिन चाहिए। अब जब जिस्म में इंसुलिन ही नहीं होता तो ब्रेन के उस एरिया में ग्लूकोज ही नहीं जाता, जब ग्लूकोज ही नहीं जाता तो इंसान का ब्रेन, उसको ये मैसेज मिलता है कि इंसान भूखा है। और आपको ये बता दूं हमारी बॉडी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मैकेनिज्म मौजूद हैं, कभी हमने कुछ नहीं खाया हुआ हो तो हमारे स्टमक में ऐसी मूवमेंट शुरू हो जाएंगी जिसको कहते हैं हंगर पेंगीज। वो हंगर पेंगीज शुरू हो जाती हैं कि एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो जाती हैं स्टमक में, जो उस बात को प्रमोट करती है कि इंसान खाना खाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये है कि जब ब्रेन के उस हिस्से में ग्लूकोज नहीं दाखिल होता तो ग्लूकोज के दाखिल ना होने की वजह से इंसान समझता है कि वो भूखा है, तो इससे क्या होता है कि वो ओवर ईटिंग की तरफ जाता है। अब आप फिर भी सोच लें कि इंसान ने चलने खा लिया, दो टाइम का खाना, तीन टाइम का खाना एक साथ खा लिया, अब वो सेल के बाहर पड़ा हुआ, सेल के अंदर नहीं जा रहा, तो उसको एनर्जी कैसे मिलेगी? ठीक है, और जो बातें मैं कह रहा हूं, मैं मिसाल के तौर पे कोई बात मैं कह रहा हूँ तो अभी आप बहुत इनिशियल स्टेज में, आपको डायबिटीज रिलेटेड समझा रहा हूँ, आगे जाके मैं अपनी बातों को कुछ हद तक मॉडिफाई भी करूंगा ताकि आप क्या कहते हैं तो उसको और बेहतर अंदाज में समझ। ठीक है चले, तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया आपको मिलता है किसके अंदर, डायबिटीज रिलेटेड में, और शुगर लेवल इसमें बढ़ी हुई होती है। नॉर्मल पर्सन के यूरिन में याद रखिए ग्लूकोज नहीं आता, लेकिन अगर 200-250 ग्लूकोज पहुंच जाए किसी इंसान की, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में जो है वो ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसी सूरत में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज फ्लाइटिस में इसके वेरी नेक्स्ट जो आपसे बात करूंगा, लेकिन टाइप्स आपको बतानी है कि डायबिटीज फ्लाइटिस की टाइप्स क्या हैं। इसकी एक टाइप है आईडीडीएम और एक है आपके पास एनआईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज फ्लाइटिस, और दूसरी आपके पास है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज फ्लाइटिस। टाइप वन कहलाती है आईडीडीएम, टाइप टू कहलाती है एन आई डी डी एम। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस,
और एनआईडीडीएम के आपके पास नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो आपके पास ये दो तरह की आपको टाइप्स मिलेंगी, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब सुनिए जरा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, छोटी सी बात करूं फिर बात को नेक्स्ट क्लास में करूंगा। एक माँ जो है अपने 7 साल के बच्चे को डॉक्टर के पास लेके आई और डॉक्टर साहब कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा खाता बहुत। डॉक्टर बच्चे की तरफ देखता है, कहता है कि मतलब उसके जहन में आता है बच्चा दुबला पतला बहुत है, खाता है तो उसको मतलब लगता भी नहीं। फिर माँ कहती है कि प्यास भी उसको बहुत लगती है और बार बार यूरिनेशन के लिए भी जाता है, माँ कंप्लेन करती है। डॉक्टर माँ से सिर्फ एक सवाल करेगा कि आप या इसके अब्बू या इसके ग्रैंड पेरेंट्स में कोई इंसुलिन लगाता है? तो माँ सोच के बताती है कि हाँ, इंसुलिन इनके दादा या इनके अब्बू जो है वो बचपन से इंसुलिन लगाते हैं। तो ये ऐन अलामत है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो छोटी उम्र में होती है, ठीक है। डॉक्टर माँ से सवाल करता है कि कभी छोटी उम्र में इसको बुखार आया था जो 2 हफ्ते चला, यानी कि लॉन्ग पीरियड तक चला? माँ सोच के बताती है कि हाँ आया था, 3 साल के, 2-3 साल की उम्र में बुखार आया था। दरअसल 2-3 साल की उम्र में उसको वायरल फीवर हुआ। वायरल फीवर से क्या हुआ, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी उस वायरस के अगेंस्ट। एंटीबॉडी जो वायरस के अगेंस्ट बनी, उन्होंने उसके बीटा सेल्स को, इंसुलिन जो रिलीज होता है वो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज रिलीज करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब एंटीबॉडीज ने बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो डिस्ट्रॉय करने पे क्या हुआ, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने पे ये हुआ कि आपके पास अब 3 साल की उम्र से लेके 7 साल की करीब 6-7 साल की उम्र तक उसके इंसुलिन के रिलीज करने वाले सारे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो। चले, मेरी असल में नेक्स्ट वीक क्लास है, मैं फिलहाल यहीं अपनी बात स्टॉप करूँ। आपके सवाल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लूँगा, ठीक है, यहीं से बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के आइए आप सारे, अपना चैप्टर 8 रेडी करके रखें, परसों आपका टेस्ट है मेरे ख्याल से फ्राइडे वाले दिन, ऐसा है, ज़्यादा नहीं लाइए ज़रा, ठीक है। तो आप क्या समझ लें कि चैप्टर 8 MCQs टेस्ट ही, तो MCQs में कुछ भी आ सकता है, पूरे चैप्टर 8 में से कहीं से भी आ जाए, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच।